तो वही वाली बात हो गई कि मुर्गी आई पहले या अंडा ठीक है तो कंफ्यूज जाते हैं हमेशा कि नहीं पहले अंडा आया मुर्गी आई है ना बचपन में ये सवाल काफी पूछा जाता था कि भाई बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें ध्यान रखना है कि एनिमल में इंक्लूड करता है एग्स वगैरह भी इंक्लूड करता है हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करने वाले हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है एग्जाम आने वाला है पूरा इस एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो एक से जो चौंतीस के आसपास जो आपके सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन काफी बने हुए हैं मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन बने हैं किस तरीके के बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कुछ जो सेक्शन uh, हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको पढ़ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको एक बार बस गो थ्रू कर लेना वो हम उनको उतना नहीं देखेंगे बट वहां भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नहीं पूछी गई है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे राइट right. तो चलिए शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट व्यू से आपको मालूम है वगैरह जो हैं ये important होते हैं, तो एक बार इनको देख लिया करें। Act number 53 है है? है 1972 का date क्या है? Date है September 1972. ठीक है? ये आपकी इनेक्टमेंट डेट हो गई और एक्ट फोर्स में कब आया है तो फोर्स में आपका एक्ट आया है पच्चीस जनवरी थ्री को आपका ये एक्ट फोर्स में आया है दोनों ही डेट जो है इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें प्रीएम्बल की चलिए वैसे तो भी हमें 1972 पढ़ना है वरना 2021 का एक अमेंडमेंट बिल है जो कि अभी रिसेंटली लोकसभा ने पास कर दिया है उसको बट अभी उसको एक्ट बनने में थोड़ा टाइम है तो वो अच्छा है कि आपको नहीं है अभी पढ़ने को वरना अदरवाइज काफी कुछ चेंजेस हुए हैं बेराइट के अंदर तो वो भी हम देखेंगे आ, इतना बस जरूर है कि जो भी देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बनेंगे कैसे आपके एक्ट के पहले मैं आपको ये बता देता हूं क्वेश्चन बनेंगे कैसे क्योंकि एक्ट थोड़ा सा बड़ा है और उतना टाइम वेस्ट नहीं हो आपका इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये समझ लें कि इधर जो आपका ये एक्ट है इसमें क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से अगर सबसे पहले हम बात करें तो स्केड्यूल से क्वेश्चन बनेंगे स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो तो मैं आपको यहीं पर अभी जस्ट दो मिनट में आपको याद करा दूंगा कि क्या क्या स्केड्यूल में क्या है क्या आपको याद करना है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ठीक है पहला पॉइंट पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका स्केड्यूल से बन सकता है दूसरा अगर हम बात करें इस एक्ट में कहां से बनेगा तो जो भी अमेंडमेंट हुए हैं अगर हम बात करें दो का जो रिसेंट अमेंडमेंट है या आप बात करोगे प्रीवियसली जो भी इसके अंदर इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं आपके उनका पर्पज क्या है ठीक है वो जानना बहुत जरूरी है कि उनका पर्पस क्या था क्या एम था क्या ऑब्जेक्टिव था या क्या मेजरली देखा जाए तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है जो भी अमेंडमेंट हुए हैं पुराने वो आपको देखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके उसमें देखे गए हैं तीसरा कि ये जो सब्जेक्ट है किसके अंदर फॉल करता है यूनियन के अंदर आता है स्टेट के अंदर आता है तो दोनों के पास पावर है बनाने की इस एक्ट के अंदर लॉज वगैरह ठीक है तो ये हो गया आपका देन फोर्थ आपका क्वेश्चंस बनते हैं जो अथॉरिटीज है यहाँ पर ठीक है जो अथॉरिटीज है कि आप आगे अभी जब एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से एनिमल की हंटिंग जो है बैन है प्रोहिबिटेड है किसकी हंटिंग की जा सकती है ठीक है उससे रिलेटेड तो कौन सी अथॉरिटी कब क्या परमिशन देगी कौन देगी ये अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वाइल्ड चीफ बॉर्डन हो गया और, और जो भी अथॉरिटीज है वो मैं आपको बताऊंगा सब तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा देन फिफ्थ अगर हम बात करें तो पेनल्टीज थोड़ी सी देख लीजिएगा पेनल्टीज से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और अपील वगैरह आपको मालूम है कि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बट मेजरली अगर हम बात करें तो ये पांच और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डेफिनेशन क्लॉज है ठीक है वो इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन क्लॉज जो है काफी स्केड्यूल से लिंक होने वाला है तो हम अभी इसको पढ़ते हैं अभी आपको समझ में आ गया कि आपको फोकस और आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है कहां पर एमसीक्यू बन सकता है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस एक्ट को पढ़ना है पूरा पढ़ने की कोशिश मत करना पूरा पढ़ने जाओगे इतने सारे एक्ट्स हैं आपके कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें प्रियम्बल की ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है सर हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अरे सर ये तो कितना सिंपल है प्रोटेक्शन की बात कर रहा है वाइल्ड लाइफ एक तरीके से मतलब जो जंगलों में जो जानवर रह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है साथ में बर्ड्स प्लांट्स वगैरह जो हो गया आप प्रियम्बल थोड़ा सा पढ़ोगे तो और क्लैरिफाई करता है चीजों को कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विच अच्छा अब आप ये समझो कि अगर हम एक आपको एग्जांपल दें इस तरीके का कि इंसान की आप टेक केयर कर रहे हो ठीक है आप चाह रहे हो कि इसको बीमारी ना हो ठीक है इसको बचा रहे हो आप है ना आप बचा रहे हो बट जहां वो व्यक्ति रह रहा है वो एकदम पॉल्यूशन है तो चांसेस है बीमारी से उसकी डेथ हो सकती नहीं हो सकती तो जहां पर ये जो जानवर रह रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड प्लांट जो है ये जो रह रहे हैं उनका जो सराउंडिंग है एनवायरमेंट है उसका भी तो ध्यान रखना होगा तो ये एक्ट जो है आपका उस बारे में भी बात करता है बोलता है एंसिलरी और इंसिडेंटल देयर विथ व्यू टू एंश्योरिंग द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ दी कंट्री ये भी इसका पर्पस है ठीक है तो ये दोनों ही पर्पस कई बार क्या होता है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाने होते हैं तो पर्पस पूछ लेते हैं और थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन देखता है आगे आप डायरेक्ट क्या करते सेक्शन से पढ़ना शुरू करते हो आप ऊपर देखते ही नहीं हो प्रीएम्बल में क्या पूछ लिया क्या बता दिया उसके अंदर तो इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल पर थोड़ा सा फोकस करा करिए साइड में प्रीएम्बल के छोटे से यहाँ पर दो तीन पॉइंट बनाकर ऑब्जेक्ट लिख लिया करो कि ये ये ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है दिमाग में वो आपको बैठ जाएगा तो जैसा कि हमने देखा जो फिजिकल सराउंडिंग्स है यहाँ पर ये रह रहे हैं ये जो है इसका भी यहाँ पर टेक केयर करने की एक तरीके से बात करने की यहाँ पर बात हो रही है कि उनको आपको जो है एक तरीके से हम बोलते हैं ना पॉल्यूशन नहीं करना ये नहीं करना पेड़ मत काटो वैसा ही कुछ यहाँ पर बात हो रही है प्रोटेक्शन की वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड प्लांट एंड एंश्योर करना इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ दी कंट्री तो ये तो आपका प्रीएम्बल हो गया अब जाते हैं आपके सेक्शंस और चैप्टर्स पे अगर हम बात करें कि टोटल कितने सेक्शंस हैं इस एक्ट में तो वैसे देखोगे आप ऊपर से तो आपको दिखेंगे मात्र 66 छियासठ सेक्शन है बट अंदर जाओगे तो सौ से भी ऊपर निकल जाएंगे कैसे मैं बताता हूं अब आप 58 देखोगे तो 58 के अंदर उन्होंने पूरी एबीसीडी लिख दी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पूरा बिल्कुल ऐसे ही और भी कई सेक्शन जिन्होंने उन्होंने ए से लेकर जेड तक एक्स तक वाई तक एक्सप्लेन किया हुआ है सेंस नहीं बनता उतना पढ़ने का इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस ज्यादा रखेंगे ठीक है चलिए और ये मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं बता दू आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए और वाकई में वो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको देखते हुए ही क्वेश्चन बने हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्ट का नाम आपको मालूम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर तो ये हमें मालूम है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद अब जम्मू कश्मीर वाली बात आपको बताने की जरूरत नहीं है बस पी क्योंकि ये पुरानी होती है तो इनसे भी हटा नहीं है बट जो अब आगे आती जाएंगी अपडेट होते हुए तो हटते जाएगा ठीक है देन फोर्स में कब आया हमने ऊपर देख लिया दो डेटें हैं एक नाइन सितंबर उन्नीस की और एक पच्चीस जनवरी उन्नीस की तो ये दोनों ही डेट हमें याद करनी है एक इनैक्टमेंट डेट है एक फोर्स डेट है अब आते हैं मेन आपका डेफिनेशन क्लॉज देखो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ना

आपको पढ़ाने से पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे आपको हम बेहतर तरीके से समझा सके तो सबसे पहला एनिमल इन्होंने बताया एनिमल बताना बहुत जरूरी है सेट के अंदर ठीक है वाइल्ड एनिमल की बात ही हुई है ठीक है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह की तो एनिमल मतलब इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया एम्फीबियंस बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स एंड देयर यंग एंड ऑल्सो इंक्लूड इन द केसेज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड देयर एग्स एक तरीके से देखा जाए इन्होंने सारे कैटेगरी को इंक्लूड करने की यहाँ पर कोशिश की है मैमल्स हो रेप्टाइल्स हो बर्ड्स हो एंड देर यंग मतलब होता है कि उनके बच्चे वगैरह भी यहाँ पर जो है इंक्लूड है इसके अंदर ठीक है चलिए अंडे वगैरह भी सब इसके अंदर इंक्लूड है एनिमल की तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से भी हैं बन सकते हैं सिंपल क्वेश्चन देना होगा क्या क्या इंक्लूड है एनिमल के अंदर बर्ड रेप्टाइल एग्स जैसे कि होता, होता, होता है ना इंक्लूड वाला जो क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो अगर उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या आपके दिमाग से स्लिप हो गया आप बोलोगे अंडे अंडे एनिमल कहां हुए जब तो निकलेगा तब होगा ना ये तो वही वाली बात हो गई कि मुर्गी आई पहले या अंडा ठीक तो है तो कंफ्यूज जाते हैं हमेशा कि नहीं पहले अंडा आया मुर्गी आई है ना बचपन में ये सवाल काफी पूछा जाता था कि भाई बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें ध्यान रखना है कि एनिमल में इंक्लूड करता है एग्स वगैरह भी इंक्लूड करता है तो इंपॉर्टेंट है यहां से पहले क्वेश्चन आपका 2008 में बन चुका है तो ध्यान रखिएगा एनिमल में क्या-क्या इंक्लूड है आगे बात करते हैं एनिमल आर्टिकल की एनिमल आर्टिकल मतलब क्या है एनिमल आर्टिकल मतलब उन्होंने बताया एन आर्टिकल जो कि मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अब देखो कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल को पहले समझ लेते हैं ठीक है उसके लिए आपको आना पड़ेगा सी पर तो यहां पर जो आपका सी में यहां पर उन्होंने डिफाइन किया गया है कैप्टिव एनिमल को आओ, कहा गया ये रहा पांच में यहां पर इन्होंने दो के पांच में डिफाइन किया कैप्टिव एनिमल को तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैप्टिव एनिमल मतलब क्या है कैप्टिव एनिमल मतलब एनी एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल वन टू थ्री फोर अब देखो स्केड्यूल की बात हो गई है ना तो इसको भी छोड़ो पहले चलते हैं स्केड्यूल पे ठीक है एक एक चीज समझेंगे शुरुआत से अब स्केड्यूल थोड़ा सा अगर आप समझ लो बहुत ही सिंपल सा है जरा में याद हो जाएगा बस आप

कि जैसे पुराने टाइम में अगर कोई जानवर बहुत दिखता रहा ठीक है बट अब धीरे 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 करके बहुत कम हो गए तो उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आते हैं आपके फर्स्ट और टू में और यहाँ पर उनको बैन किया गया है कि इनकी हंटिंग नहीं होगी भाई जो ऑलरेडी लुप्त है या कम है उनकी अगर हंटिंग अलाउड रहेगी तो बचेंगे ही नहीं और हम चाहते हैं ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ठीक है कि वो एग्जिस्ट करें जैसे कि डायनासोर पहले के जमाने में थे ठीक है वो बट अब नहीं है ना एक तरीके से तो फिर तो इस तरीके से अभी जो है वो आगे कुछ सालों बाद नहीं रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर बात की जा रही तो स्केडूल वन, स्केडूल टू, है है तो एंडेंजर्ड से रिलेटेड इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो ठीक और इनका हंटिंग वगैरह बैन है वो सब हम आगे पढ़ेंगे आगे बात करते हैं अगर थर्ड और फोर्थ की तो वो भी सिमिलर है वहां भी प्रोहिबिट ही किया जाता है बट एंडेंजर्ड एक तरीके से नहीं है देन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये क्या है ना इनकी हंटिंग परमिटेड है क्या है इनकी इनकी हंटिंग मतलब इनको हंट कर सकते हो अब इसकी कैटेगरी में कौन आते हैं तो इसकी कैटेगरी में वर्मिन जो होते हैं वो आते हैं ठीक है जो वर्मिन मतलब हम अगर, अगर, अगर हम डेफिनेशन में समझेंगे भी बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं वर्मिन मतलब क्या होता है वर्मिन मतलब होता है मैं डेफिनेशन ही निकाल के आपको समझा देता हूँ वर्मिन मतलब एनी वाइल्ड एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल फाइव में ये आपकी डेफिनेशन बोलती है किसमें स्केड्यूल फाइव में वो वर्मिन की कैटेगरी में आते हैं अब क्या होता है वर्मिन पहले ये समझो वर्मिन मतलब जैसे कि आपके उसके अंदर क्या क्या दिखा हुआ है माइस हो गया चूहा वगैरह हो गया रेट वगैरह हो गया ये सब और भी हम आगे भी देखेंगे पूरा उसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। कॉमन क्रो वगैरह हो गया ये सब वर्मिन के उधर पे दिए हुए हैं तो इनकी हंटिंग परमिटेड है यहाँ पर कोई पेनल्टी कोई फाइन वगैरह

अभी आगे बढ़ते हैं आ जाते हैं वापस आपकी डेफिनेशन क्लॉज पे तो हमने देख लिया वर्मिन मतलब क्या होता है हमने स्केड्यूल समझ लिया अब आ जाओ आप कैप्टिव एनिमल पर कैप्टिव एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल वन टू थ्री और फोर में ठीक है चार हमने ऊपर देखे जिसको कैप्चर किया गया है या कैप्ट ऑफ ब्रेड इन कैप्टिविटी मतलब पहले से एक तरीके से उसको बंदी बनाए रखा और वहीं पे उसने जन्म दिया किसी बच्चे को तो वो कहेंगे हम उसको ठीक है बंदी हालत में है ना तो ये हो गया आपका कैप्टिव एनिमल की कैप्टिव एनिमल क्या है ठीक है अब देखो कैप्टिव एनिमल में भी क्वेश्चन बन सकता है क्या बिल्कुल बन सकता है कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा एनिमल जो कि स्पेसिफाइड कहा है स्केड्यूल वन से फोर में फाइव और सिक्स में देखो हर चीज को एक्सक्लूड किया जाएगा फाइव सिक्स की बात ज्यादा यहां पर नहीं होगी जिसको कैप्चर किया गया है मतलब पकड़ा गया है या फिर वो ऑलरेडी कैप्टिविटी में था ठीक है ये कैप्टिव एनिमल सिंपल है नाम से ही समझ में आ रहा है कैप्टिव एनिमल अब आ जाओ आप, आपके ऊपर एनिमल एनिमल आर्टिकल पर. एनिमल आर्टिकल पर बात कर रहा है ऐसा आर्टिकल जो कि कैप्टिव एनिमल से बनाया गया है आप समझ रहे हो जैसे कि आप देखोगे कि जो पिग होता है ठीक है जो सुअर हम कहते हैं हिंदी में कि उसका जो वो बाल होते हैं ना उससे आप देखोगे ब्रश बनते हैं ठीक है ब्रश वगैरह बनते हैं देन अगर हम बात करें और अगर हम और एग्जाम्पल ले तो जैसे बोलते हैं ना चमड़े का वो आप पहने रहते हो तो वो भी जानवर की खाल से बनता है बेल्ट वगैरह हो गए शूज वगैरह हो गए लेदर के ये सारी चीजों के बारे में यहां उनको एनिमल आर्टिकल कहा जाएगा कुल मिलाकर जो एनिमल से बना है मतलब ऐसा आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल या फिर वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मेन देखो वर्मेन को एक्सक्लूड किया हर जगह एक्सक्लूड करेंगे वर्मेन को तो ध्यान रखना है ठीक है वर्मिन को भी हम आगे उसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और क्या क्या वर्मिन है वो ध्यान रखने के लिए स्केड्यूल फाइव भी पढ़ेंगे देन बात करता है इंक्लूड एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल हैज बीन यूज मतलब ऐसा आर्टिकल या ऐसा ऑब्जेक्ट ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ऐसा आर्टिकल ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें या तो पूरा उससे बना है या कोई पार्ट भी किसी एनिमल का यूज हुआ है ना उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया है हैज एंड एंड इंपोर्टेड इंडिया एन आर्टिकल मेड देयर फ्रॉम ये आपका एनिमल आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही आपके तीन चार एमसीक्यूज निकल के आ गए कि पहली बात तो पूछ सकते हैं एनिमल आर्टिकल मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे कैप्टिव एनिमल से बना हुआ वाइल्ड एनिमल से बना हुआ या फिर कोई पार्ट भी उसका यूज हुआ है कुल मिलाकर आप जो मैंने एग्जांपल दिया ना चमड़े का बेल्ट हो गया है ना या ब्रश हो गया ऐसे याद रखो याद रहेगा तो ये हो गया आपका टू का टू एनिमल आर्टिकल के बारे में उसके बाद आता है आपका थीन तो यहां पर है नहीं ओमिट हो चुका है फोर बात करता है बोर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बोर्ड मतलब क्या कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है इस एक्ट में नहीं दूसरे एक्ट में भी बोर्ड से मतलब हमने अधिकतर देखा है नेशनल बोर्ड होता है है ना बहुत सारे भतेरे एक्ट हमने पढ़ लिए हमने देखा वहां पर बोर्ड का मतलब नेशनल बोर्ड लिखा हुआ था ठीक है कमेटी का मतलब नेशनल कमेटी लिखा हुआ था क्योंकि फिर स्टेट को अलग से थे बट इस केस में अलग है यहां पर बोर्ड का मतलब है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि के एक में हम देखेंगे वो भी बहुत है, वो भी भी वहां वहां बहुत इंपॉर्टेंट है है पर पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना सेक्शन भले ही डेफिनेशन का दो का चार ना याद रखो बट इतना याद रखना कि बोर्ड का मतलब यहां से तात्पर्य है स्टेट बोर्ड से इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है सही तरीके से पढ़ोगे नंबर लाओगे अगर आप पूरा पढ़ने बैठ गए एक एक चीज तो फिर आपको मतलब आपको आप प्रिपेयर नहीं हो आपको मालूम नहीं है एक्चुअली आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो क्या पूछ रहा है रिक्वायरमेंट क्या है क्या पूछा है उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर में अब वो बात अलग है कि इस बार कुछ थोड़ा नया कर दे बट स्टिल हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं उतना हम करेंगे देन अगर हम बात करें दो के पांच की इंपॉर्टेंट है कैप्टिव एनिमल कैप्टिव एनिमल मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समझाने की जरूरत नहीं है सेक्शन देखो डेफिनेशन क्लॉज याद नहीं करना है डेफिनेशन क्लॉज तो आपको मैंने सिर्फ दो बताए हैं टू का वन और टू का टू ध्यान रखना बस वरना उनमें भी आपको इंक्लूड और ये सब पढ़ना है यहां पर मैंने ये नहीं बोला आपको कि इनके आपको वो याद रखना है कि कहां पर यह दिया हुआ है ठीक है। बोर्ड में भी मैंने बोला आपको याद रखना कि बोर्ड का मतलब स्टेट बोर्ड है कैप्टिव एनिमल का मतलब बता दिया कि क्या है या तो कैप्चर्ड या फिर कैप्ट और ब्रेड इन कैप्टिविटी अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है टू का सेवन बोलोगे सर सभी तो इंपॉर्टेंट बोल दिया भैया यही इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं ना एक से 30 जो सेक्शन है वही मेजर इंपॉर्टेंट है पीछे के भले ही आप नहीं पढ़ो ना एक पढ़ तीस तो से तीन क्वेश्चन आपके आगे से ही बनने चीफ वाइल्ड लाइफ बॉर्डन मतलब पर्सन जो अपॉइंट किया गया है चार के एक में तो वही पढ़ेंगे वही इंपॉर्टेंट है बट हाँ है, पर ये वहां इंपॉर्टेंट है आगे बात करें सेवन ए सेवन ए बात कर रहा है सर्कस के बारे में देखो सर्कस के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है आपको समझ में आता है सर्कस में क्या होता है क्या नहीं आप जो बचपन में गए हो देखने तो आपको मालूम है मतलब यहाँ पर उन्होंने बस परिभाषा उन्होंने बता दिया एन एस्टेब्लिशमेंट भले ही से वो स्टेशनरी हो हो या mobile, मतलब या तो या मोबाइल मतलब तो चलित फिर ऐसे वेयर एनिमल्स एनिमल्स आर आर और और होली मेनली फॉर पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ट्रिक्स ट्रिक्स वगैरह करना और ये सब जिनको ट्रेन किया जाता है एनिमल्स को ठीक है वैसे एस्टेब्लिशमेंट को सर्कस कहा जाता है इंपॉर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं कलेक्टर आइए कलेक्टर मतलब क्या है यहां पर कलेक्टर का मतलब है चीफ ऑफिसर जो कि इंचार्ज है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि डिप्यूटी कलेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए और अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको यहां पर कलेक्टर कहा जाएगा इसको बस आप इतना पढ़ लेना थोड़ा सा बनना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए कलेक्टर मतलब क्या है तो चीफ ऑफिसर इंचार्ज जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हो वो या फिर डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक के बिलो का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए उसके रैंक के ऊपर या उस रैंक का हो तो उसको भी

ट्रॉफी अनक्योर ट्रॉफी सर ये क्या हो गया ये कौन सी ट्रॉफी की बात की जा रही है कोई टूर्नामेंट हो रहा है क्या नहीं समझेंगे ट्रॉफी पर... समझ और अनक्योर ट्रॉफी पे आ जाते हैं ठीक है क्योंकि फिर आपको उससे वरना डीलर आपको अब तक क्लियरली समझ में नहीं आएगा अब देखो ट्रॉफी अनक्योर ट्रॉफी मतलब क्या होता है पहले कुछ समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपने देखा होगा पूर्वजों को या फिर आपने देखा होगा पुराने जमाने में मा, राजा महाराजा होते थे ठीक है उनको शिकार करने का बड़ा शौक होता था आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाते हैं तो ऐसी ऐसी हवेलियां बनी होती होती हैं जहां पर शेर की खाल लगी होती है और ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल ओरिजिनल मतलब जानवर की तरह लगते हैं और वो एक्चुअल में होते भी हैं उनकी वो एक्चुअल में खाल जो है उसको लटकाया जाता है दीवारों पर क्यों क्योंकि वो एज अ ट्रॉफी उन्हें प्राउड महसूस होता है कि भाई हमने इस शेर को मारा हमने इस जानवर को मारा इस आदमखोर आदमे आदमखोर शेर को तो इस तरीके से बोलने में आता है तो वो उनको एज अ ट्रॉफी ट्रीट करते थे और वही यहाँ पर मतलब है ट्रॉफी का जो ऐसे एनिमल्स होते हैं ठीक है थीके? तो उनको ही यहाँ पर ट्रॉफी और अनक्योर ट्रॉफी से रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन तब देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ ठीक है अब एक और चीज समझो जो ये जो होता है ना कि जो ट्रॉफीज हैं ठीक है इनको क्योर करना प्रिपेयर करना प्रिजर्व करना इसको कहा जाता है एक वर्ड टैक्सी डर्मी ठीक है ये इसको कहा जाता है वर्ल्ड को टैक्सी डरमी मीन प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन और माउंटिंग ऑफ ट्रॉफीज अब देखो उन्होंने शेर आदम और शेर का उन्होंने शिकार कर दिया अब उनको एज अचीवमेंट अपनी दीवार पर वो लगानी है तो यार देखो हर स्किन की तो वो रहती ना कि ये कुछ टाइम बाद वैसी हो जाएगी तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कि ज्यादा लंबे समय तक ये वैसे ही दिखे जैसे कि ओरिजिनल जो शेर की स्किन होती है तो उसको जो प्रिजर्व करते हैं अंदर कॉटन वगैरह भर के और सब चीजें करके जो लगाया करा जाता है एक तरीके से सजाया जाता है उसको टैक्सी कहा जाता है सिंपल है ध्यान रखना है टैक्सी आगे बढ़ते हैं ट्रॉफी और आता है अनक्योर ट्रॉफी पर ये इंपॉर्टेंट है ये जो तीनों चीजें हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है बट स्टिल बन सकते हैं अब ट्रॉफी मतलब क्या है बहुत सिंपल है आगे देखते हैं मीन्स द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव एनिमल ठीक है या फिर वाइल्ड एनिमल क्या बोला है देखिए अच्छे से पढ़िएगा होल या फिर कोई पार्ट भी अब आपने देखा होगा क्या शेर पूरा लटका रहता है कि सिर्फ उसका गर्दन तक ही उसको लटकाते हैं ऐसे दीवार पे ट्रॉफी के तौर पे ठीक है तो होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव एनिमल पढ़ के आँचों के समझाने की जरूरत नहीं है और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन अब देखो चूहे को तो नहीं लटकाएगा ना भाई महाराजा महाराजा अगर चूहे को लटकाएगा कि मैंने चूहे का शिकार किया तो मतलब क्या समझ में आएगा कि आप खुद चूहे हो ठीक है तो अदर देन वर्मिन वर्मिन वगैरह पर जैसे कि मैंने आपको बताया था हर जगह किया जाएगा इस एक्ट में तो ध्यान बाय एनी भले आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो आप उसको क्या कर रहे हो प्रिजर्व कर रहे हो आर्टिफिशियली या नेचुरल से जैसा होता है ना भाई ये एक एक नुस्खा है नेचुरल है ना या फिर आर्टिफिशियल कुछ केमिकल कुछ चीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी ऐसा जिससे उसको प्रिजर्व करा जा सके लंबे समय तक चले उसकी स्किल तो वो ट्रॉफी है अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करता है ये भी आप देख ले बोलता है रग स्किन स्पेसिमेन ऑफ सच एनिमल माउंटेड इन दी होल और इन पार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टैक्सी डर्मी इसलिए मैंने आपको पहले टैक्सी डर्मी समझाया मेरा समझाने का पर्पस यही था क्या बोल रहा है कि आप उसको थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी आपने किया टैक्सीडर मालूम है आपको क्या है प्रिजर्व करना है ना इस तरीके से तो वही यहाँ पर भी इंक्लूड है कि ऐसा स्किन उस एनिमल का ठीक है वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड है चलिए आगे बढ़ते हैं देन आता है आपका आ, इसका एक और बीबी है बोलता है एंटलर बोन वगैरह हो गई शेल हॉर्न राइनोसोरस हॉर्न हेयर फेदर नेल टूथ आपने देखा होगा हाथी के दांत जो है लाखों करोड़ों के बिकते हैं ठीक जब है जबकि इलीगल है बेचना तो उन्हीं सब चीजों के बारे में अलग अलग जानवर की जो चीजें होती हैं जो ऐसी बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं उन चीजों के यहां पर बात की जा रही है एग ने नेकोम तो इन सब चीजों की यहां पर ये भी इंक्लूड है यहां पर ठीक है ऐसा हाथी के दांत लोग सजा के रखते हैं घरों में तो वो सारी चीजें ट्रॉफी के अंदर आ जाएगी राइट आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका ट्रॉफी अब आ जाओ आप अनक्योर ट्रॉफी मतलब क्या राइट ट्रॉफी अब देखो ट्रॉफी का मतलब समझ में आया तो अनक्योर्ड का भी थोड़ा थोड़ा आप एक अंदाजा लगा पा रहे हो गए बट स्टिल हम चलते हैं डेफिनेशन पर मीन द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल सब कुछ वही है बस कुल मिलाकर सर हमें समझ में आ गया प्रिजर्व वगैरह नहीं कर रहे होंगे राइट right? तो यहां पर बात हो रही है कैप्टिव एनिमल या वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन विच हैज नॉट गॉन अंडर अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी टैक्सीडर्मी की प्रोसेस से नहीं गुजरे मतलब टैक्सीडर्मी क्या था आपको याद आ रहा है समझाने की जरूरत है दोबारा आई डोंट थिंक सो ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ टैक्सी डर्मी से जो नहीं गुजरा उसको कहा जा रहा है अनक्योर ट्रॉफी और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों में डिफरेंस क्या है वहां पर वो टैक्सी डर्मी की प्रोसेस से गुजरता है ठीक है आप तो देखो ट्रॉफी मतलब ना जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना राजा महाराजा लटकाए है हुए हैं एज अ ट्रॉफी बस इससे याद रखो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो प्रोसेस ऑफ टैक्सी डर्मी से जो नहीं गुजरा है उसको कहा जाएगा अनक्योर ट्रॉफी और इंक्लूड क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करता है फ्रेशली किल्ड वोडक्ट सर क्या क्या वर्ड दे दिए कैसे याद करेंगे सही बोल रहा हूं आपने सही सुना है वॉमिट की बात कर रहा हूं वेल की वॉमिट करोड़ों लाखों रुपए की होती है ठीक है क्यों होती है सर क्योंकि उससे बनता है परफ्यूम जो आप अपनी बॉडी पे छिड़कते हो ना वो परफ्यूम उससे बनता है वो क्योंकि फ्रेग्रेंस का काम करती है वो चीज ठीक है आपको मालूम नहीं होता है हम लोग को तो बस क्योंकि हम एंड यूजर होते हैं हमको मालूम नहीं होता है प्रोडक्ट में क्या क्या किस किस चीज से बना है बट जो डियर होता है डियर अब डियर ये डियर हिंदी वाला हिरन है ना कि वो प्रिय वाला डियर ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा तो डियर जो मस्क डियर होता है उसके मस्क से भी जो है फ्रेग्रेंस वगैरह और इस तरीके से परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं राइट तो इनको भी इंक्लूड किया गया अनक्योर ट्रॉफी के अंदर जो फ्रेशली किल्ड वाइल्ड एनिमल अंबर मतलब जो वेल की वोमिट वगैरह होती है वो मस्क हो गया अदर एनिमल प्रोडक्ट्स तो उसको यहां पर अनक्योर ट्रॉफी में डाला गया इंपॉर्टेंट है ये बहुत ठीक है एक से तीस बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समय लूंगा मैं आपका बट चीजें क्लियर होंगी एमसीक्यूज आपको मालूम होंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इसके बाहर जाएगा राइट तो ये हो गया आपका थर्टी वन थर्टी टू इंपॉर्टेंट है इनके आप क्लॉज भी ध्यान रखिएगा इकतीस बत्तीस में दिया हुआ है ठीक है अब आ जाते हैं वापस आपके डेफिनेशन पे तो डीलर के बारे में बात कर रहा था डीलर मतलब आपको समझ में आ गया डीलर क्या होता है आपको एक घर खरीदना है ठीक है जो डील करा दे वो डीलर ठीक है तो वैसे ही अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सिलसिले में हम डीलर देखें तो मतलब इन रिलेशन टू एनी कैप्टिव एनिमल एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी अनक्योर ट्रॉफी मीट और स्पेसिफाइड प्लांट मीन्स अ पर्सन हु कैरीज ऑन दी बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग एनी सच एनिमल जो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है खरीदने का या फिर बेचने का ऐसे जानवर को ऐसे एनिमल को या आर्टिकल को और इंक्लूड करता है पर्सन जो अंडरटेक कर रहा है बिजनेस इन एनी सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब एजेंट वगैरह भी हो गया वो भी सब इसमें इंक्लूड कर रहा है ये हो गया डीलर सिंपल है इंपॉर्टेंट नहीं है याद नहीं रखना बस समझाने के लिए आपको बता दिया डायरेक्टर मतलब पर्सन जो अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन तो इंपॉर्टेंट भले ही बट वहीं पर है जहां पर सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन क्या है क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप छोड़ भी से चलेगा ए ना पढ़े चलेगा फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब क्या है सेक्शन टू ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में क्योंकि इन्होंने वहां से इसका मतलब लिया हुआ है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब भी इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से लिया है नहीं पढ़ना चाहे बिल्कुल छोड़ दें क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है और

कि वहां पर प्रोटेक्शन इन जो जानवरों के आप प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो जो जहां रह रहे हैं उसको भी तो प्रोटेक्ट करोगे तभी तो वो वहां रहेंगे आपने देखा होगा कितने सारे जानवर जंगलों से जो है ना रोड पे या शहरों में आ जाते हैं कई बार ऐसा क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि इंसान जो है वो जंगलों में जा रहे हैं तो भाई जंगल वाले जानवर जो है वो यहां भी आ जा रहे हैं जिसकीडिंग बट स्टिल लॉजिक थोड़ा सा ऐसा ही है बट स्टिल चलिए हम भटकते नहीं है काफी लेंदी हो जाएगा अदरवाइज का बात कर रहा है है हैबिटेट इंक्लूड करता है लैंड वाटर वेजिटेशन जैसा हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान तो उनके लिए भी वही चीज है पानी और खाना और जमीन ठीक है नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इंपॉर्टेंट है दो का पंद्रह हैबिटेट ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं दो का सोलह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो दो तीन चार जितने कर सकते हो हंटिंग इंपॉर्टेंट है क्यों मेन पर्पस जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो इस एक्ट में भाई कोई हंटिंग ना करे ऐसा करके ठीक है तो हंटिंग इंक्लूड क्या क्या करता है इंपॉर्टेंट है देखते हैं चलिए सबसे पहले ये बात कर रहा है क्लिंग अब देखो हंटिंग मतलब हंटिंग आप अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कोई गन से मार रहा है कोई तीर से मार रहा है कोई तीर के आगे जहर लगा देते हैं कि जिससे बेहोश हो जाए या मर जाए जो भी उनका पर्पस हो इस तरीके से अगर हंटिंग की जा रही है वो सब इसके अंदर आपको तो देखने को मिलेगा हंटिंग क्लिंग और पॉइजनिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल या फिर कैप्टिव एनिमल या

या ऐसा कुछ जो भी उनको इस तरीके से जो करते हैं वो सब हंटिंग के अंदर आ जाता है कि उन्होंने सामने कुछ रख दिया जानवर को खाने के लिए कि ये खाएगा और वो गड्ढा है ऊपर ऊपर घास रख दी और वो अंदर घुस जाएगा तो इस तरीके के जो भी नुस् नुस्खे हैं या नुस्खे हैं जो भी कह लो आप इनको तो उसको हंटिंग कहा जाएगा ट्रैपिंग ड्राइविंग और बेटिंग बेटिंग मतलब वही जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया बेट करना किसी एनिमल को और कैप्टिव एनिमल एंड एवरी अटेम्प्ट टू डू सो ये सब हंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट देन आता है सी इंजर करना डिस्ट्रॉय करना या टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच एनिमल जैसे कि हाथी के दांत हो गए है ना या कुछ और चीजें जो इस तरीके से जो बेची जाती हैं इंजर कर रहे हो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच एनिमल इन द केस ऑफ वाइल्ड बर्ड्स और रेप्टाइल्स डैमेज करना बर्ड्स के या रेप्टाइल्स के या फिर डिस्टर्ब कर देना एग को या उनके नेस मतलब घोसला वगैरह जो होता है उसको तो ये सब जो है हंटिंग के अंदर आ जाएंगे आई होप सो आई एम वेरी क्लियर टू यू आपको समझ में आ रहा होगा चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट जो चीजें उन पर ज्यादा फोकस करेंगे राइट right? तो ये हो गया आपका सोला आगे बढ़ते हैं देन आता है आपका 17 में बात कर रहा है लैंड में क्या क्या इंक्लूड किया गया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंक्लूड कैनाल एंड अदर वाटर चैनल रिजर्व स्ट्रीम लेक्स वगैरह आर्टिफिशियल हो मतलब मैन मेड हो या तो न, या फिर नेचुरल वगैरह हो वो सब लैंड के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वेटलैंड वगैरह जो होते हैं जैसे पानी वानी रुक जाता है एक जगह काफी बड़े उसमें तो उन सब चीजों को भी यहाँ पर रॉक्स वगैरह सब यहाँ पर इंक्लूड किया गया है देन लाइसेंस मतलब जो इस एक्ट के अंदर लाइसेंस दिया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एटीन ए जो है बात करता है लाइफ स्टॉक के बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको तो इसको ध्यान रखिएगा लाइफ स्टॉक मतलब क्या है फार्म एनिमल्स एंड इंक्लूड बफेलो बुल्स ब्लॉक्स कैमल काउ डोंकी गोट शीप हॉर्स म्यूल्स याक्स डक्स जो भी हैं ये गीस पोल्ट्री एंड देयर यंग मतलब उनके बच्चे वगैरह बट इंक्लूड क्या नहीं करता है एनी एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है वन टू फाइव में फाइव से देखो अब अभी कितना सिंपल एक ट्रिक देता हूँ आपको वर्मिन को कैसे याद करना है वर्मिन स्केड्यूल फाइव में आता है ठीक है और फाइव कैसा दिख रहा है आपको ये वी जैसा दिख रहा है ठीक है तो वी फॉर वर्मिन इस तरीके से भी आप इजीली याद कर सकते हो अगर आप कहीं भूल जाओ तो इस ट्रिक से आपको इजीली याद आ जाएगा ठीक है तो वन टू फाइव में जो एनिमल को नहीं दिया है ठीक है तो बट इंक्लूड नहीं करता है लाइफ स्टॉक में एक से स्केड पांच के अंदर जो एनिमल्स दिए हुए हैं वो इंक्लूड नहीं है उसके अलावा जो है ये लाइफ स्टॉक है ठीक है, फार्म एनिमल्स जो होते हैं ठीक है तो वो सब यहाँ पर के के अंदर, है। है है आगे बढ़ते हैं, Then आता है आपका 19 जो की बात करता है manufacturer के बारे में। इंक्लूडेर इंपॉर्टेंट नहीं है means a person जो manufacture करता आर्टिकल किसी एनिमल से या प्लांट बेस्ड स्पेसिफाइड है 1 to 5 and 6 as the case, maybe. आगे बढ़ते हैं मीट सेक्शन ट्वेंटी मीट के बारे में बात करता है मीट इंक्लूड करता है ब्लड बोन एग्सल फैट फ्लैश और विदाउट स्किन वेदर रॉ और एनिमल या फिर कैप्टिव एनिमल क्योंकि दो एनिमल की यहाँ बात हो रही है कैप्टिव या वाइल्ड, अदर देना वर्मिन, वर्मिन वगैरह को छोड़ के उन दूसरे जो जानवर हैं ठीक है रॉ आप को, जो भी होता है आप जानते हो जो भी मिलता है मार्केट में वो सब ब्लड बोन सब कुछ को यहाँ पर मीट की कैटेगरी में डाल दिया गया इंपॉर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी बात कर रहा है नेशनल बोर्ड नेशनल बोर्ड मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है सिंपल है तो मालूम ही आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट इतना कुछ खास यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि आगे वहां जहाँ बोर्ड है वो देखेंगे हम अब आता है इक्कीस बात कर रहा है नेशनल पार्क के बारे में नेशनल पार्क मतलब ऐसा एरिया जो कि डिक्लेयर्ड है अंडर सेक्शन 35 फाइव या थर्टी या फिर डीम्ड माना गया है 66 के थ्री में एज अ नेशनल पार्क तो यहाँ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब नेशनल पार्क वाला हम पढ़ेंगे तब तो वहां पर चीजें समझेंगे ठीक है तो बस इसको आप डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ध्यान रखना है भले ही से आप ये दो का इक्कीस याद मत रखो बट ये याद रखना है ऐसा एरिया जो कि डिक्लेयर किया गया है पैंतीस में अड़तीस में या डीम्ड बताया गया है छियासठ के तीन में एज अ नेशनल पार्क तो वो नेशनल पार्क है बाकी क्या है वो हम आगे देखेंगे देन आता है परमिट तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब परमिट मतलब सिंपल है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि परमिट जो ग्रांट कर देते हैं इसमें क्या होता है ना कि जो फाइव और सिक्स वाले हैं उनको तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है ठीक है उनको क्योंकि मानना बैन नहीं है बट जो वन टू फोर के अंदर जो एनिमल्स दिए हुए हैं अगर वो जानलेवा हो जाते हैं कि उससे इंसान को खतरा हो सकता है तो एक अथॉरिटी होती है जिसकी अगर वो अलाउ कर दे तो उसकी हंटिंग जो है अलाउड हो जाती है कि भाई उसमें आप जो है पनिशमेंट पेनल्टी नहीं होगी उसकी हंटिंग के लिए आगे समझेंगे यहां नहीं भी समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है भूल जाओ ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24 फोर इंक्लूड अ फर्म पर्सन वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर देन आता है प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क हो गया सेंचुरी वगैरह हो गई कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व हो गया जो कि नोटिफाइड है तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया 24 के ए में कहा गया है ठीक है ध्यान रखना है तो रखिएगा अदरवाइज नॉट इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं पच्चीस का ए बात कर रहा है ये सब इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है रिकॉग्नाइज मतलब क्या जो जू रिक्नाइज है थर्टी के एच में रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो बताया गया है देन सेंचुरी मतलब क्या ये सब आप रीड कर लेना बट क्लॉज याद करना तो आई डोंट थिंक सो कि उतना इंपॉर्टेंट है ना ही क्वेश्चन देखे गए हैं और ना ही आने के इतने चांसेस हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं स्पेसिफाइड प्लांट मतलब क्या है मतलब एनी प्लांट जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल सिक्स में देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना फिर भी एक बार चांस होता है कि पूछे जा सकते हैं तो हम यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफाइड प्लांट जो स्केड्यूल सिक्स में बताए गए हैं उसका मतलब है आगे बढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है टैक्सी डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिर से एक बार देख लेते हैं द दरिंग प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन और माउंटिंग ऑफ ट्रॉफीज तो मैं समझा चुका हूँ सिर्फ रीड करके आपको बताना था क्योंकि शायद हमने उस टाइम पे रीड नहीं किया था अच्छे से देन टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रॉफी हम पढ़ चुके हैं अनक्योर ट्रॉफी हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट है तीनों ही ये आपको ध्यान रखना है तीस इकतीस और बत्तीस ध्यान रखिएगा टू का थर्टी याद रखना है थर्टी याद रखना है थर्टी याद रखना इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं क्वेश्चन राइट right, उसके बाद वहीकल वगैरह वहीकल मतलब जो कन्व्यांस लाने ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है फॉर मूवमेंट ऑन लैंड वाटर और एयर एंड इंक्लूड कर रहा है बफेलो कैमल डोंकी एलिफेंट हॉर्सेस हॉर्सेज को लाने ले जाने के लिए वो वहीकल का यहाँ पर मतलब बताया गया है अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है दो का चौतीस आपको ये बिल्कुल क्लॉज ध्यान रखना है थर्टी के अंदर वर्मिन दिया हुआ है जो कि बात करता है ऐसा वाइल्ड एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल फाइव में तो स्केड भी हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है देखिए बहुत ज्यादा मैंने आपको स्टार मार्क नहीं किए हैं जितने किए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के चांसेस है कुछ आए हुए भी हैं तो उनको ध्यान रखिएगा बाकी आप चाहे तो एक बार रीड मार लें चलेगा उसके बाद आता है सेक्शन आपका टू का थर्टी फाइव वेपन के बारे में बात करता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेपन मतलब वही सब है एमिनेशन बो एंड एरो जो यूज होते थे एक्सप्लोजिव फायर आर्म नाइव ठीक है नेट्स वगैरह पकड़ने के लिए है ना पॉइजन ट्रैप्स ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी देन आता है वाइल्ड एनिमल मतलब क्या है तो एनिमल जो कि स्पेसिफाइड है स्केड्यूल वन टू सिक्स में और फाउंड वाइल्ड इन नेचर ठीक है वहां जहां पाए जाते हैं उसका मतलब वाइल्ड एनिमल है तो क्या सर ये याद करना है कर लेना क्योंकि वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ के बारे में ही बात हो रही है तो पता होना चाहिए कहां दिया हुआ है कई बार देखने को मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है अब आता है आपका अगला वाइल्ड लाइफ मतलब क्या एनिमल एक्वाटिक लैंड वेजिटेशन जो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट तो सिंपल सा है समझाने से आई एनीटल so, कोई जरूरत है यहाँ पर तो इसको भी ध्यान रखना है दो का सैतीस और दो का छत्तीस को ठीक है क्योंकि आपका एक्ट का नाम ही वाइल्ड लाइफ है तो तो एटलीस्ट ये ध्यान रखना टू के थर्टी में वाइल्ड लाइफ को डिफाइन किया गया है मतलब क्या है ठीक है क्योंकि ये थोड़ा इस तरीके से जो भी ऐसे जो एक्ट होते हैं और उनके जो मतलब है जो मेन वर्ड्स का वो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं चांसेस ज्यादा होते हैं राइट चलिए ओके तो ये हो गया आपका टू का थर्टी सिक्स थर्टी सेवन आगे बढ़ते हैं टू का थर्टी एट वाइल्ड लाइफ वार्डन इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चार के एक के बी में इम्पोर्टेंट है यहाँ आपको दो का अड़तीस ध्यान नहीं रखना है आपको ध्यान रखना है जो हम आगे पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में थर्टी नाइन जो है जू है, जू है तो इसको आप वही एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि हमने सर्कस पढ़ा था उसी टाइप का जो जू होता है वही है इंपॉर्टेंट नहीं है आप चाहे तो उसको रीड कर लेना ये आपका खत्म होता है चैप्टर अब देखो थोड़ा सा था know, था आई नो बट तो टाइम देना जरूरी था जो जो जहां जहां से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है अगर आप उतना कर लेंगे इट इज मोर देन सफिशियंट ठीक है तो उतना आप कर ले आगे बढ़ते हैं चैप्टर टू की ओर चलिए चैप्टर टू बात कर रहा है अथॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो देखो अब हम कम सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना तो हम चैप्टर भी पढ़ेंगे कि चैप्टर टू किस बारे में बात करता है चैप्टर थ्री किस बारे में बात करता है क्योंकि आई गेस एक क्वेश्चन आपका आया था कि पेनल्टीज जो है कहाँ से कहाँ दी हुई है ठीक है या किस चैप्टर में दी हुई है इस तरीके का क्वेश्चन था तो चैप्टर भी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा इस एक्ट के लिए पर्टिकुलरली कि चैप्टर टू जो है अथॉरिटीज़ से रिलेटेड है सिंपल है तो वो याद हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें कमी पड़ना है जो चीज़ें याद करनी है वो हमें सेक्शन थर्टी तक मेनली याद करना है

और सच अदर ऑफिसर्स ऑफिसर जो कि जरूरी हैं तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर यहां से सिर्फ इतना सा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ठीक है तो साइड में लिख लेंगे कि अपॉइंट कर रही है यहां पर डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए देन दूसरा वही सब बातें हैं कि जो है परफॉर्मेंस ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करेगा इस एक्ट के थ्रू जो दी गई है उसको राइट है ना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर कोई ड्यूटी देता है तो वो परफॉर्म करेगा डायरेक्टर तो यही सब यहां पर है और जो बाकी के ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं ये वाले वो उसको क्या करेंगे असिस्ट करेंगे सिंपल है कुछ याद करना है कुछ याद नहीं करना है यहां से सिर्फ ध्यान रखना है डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं देन आ जाता है आपका सेक्शन फोर बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ वार्डन एंड अदर ऑफिसर्स ये इंपॉर्टेंट है दो हजार आठ में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ वार्डन एंड अदर ऑफिसर्स बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फॉर दर्पज ऑफ दिस एक्ट अपॉइंट कर रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सर मतलब इस एक्ट में कंफ्यूजन हो सकती है कि सेंट्रल अपॉइंट किसको कर रहा है है स्टेट किसको अपॉइंट कर रहा है? बिल्कुल तो ध्यान रखना है कि डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट किसको कर रही है अपॉइंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन तो मतलब आपको ध्यान रखना है वार्डन से संबंधित जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है डायरेक्टर से संबंधित जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ये डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से कर लो डिफरेंशिएट कर लो इस चीज को तो इजी हो जाएगा ठीक है तो ये तीन जो है यहां से एमसीक्यू बनते हैं कौन अपॉइंट कर रहा है ये ध्यान रखना है राइट उसके बाद आगे बढ़े तो वही सब है कि परफॉर्म करेंगे सर्विसेज एक्ट के अंदर अपॉइंट हुए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट भी कर सकती है टाइम टू टाइम यही सब बातें यहाँ पर दी है वो सब कुछ नहीं पढ़ना बस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन अपॉइंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर अपॉइंट हो रहा है सेक्शन फोर में ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेक्शन फोर के अंदर ये चीज अपॉइंट की जा रही है आगे बढ़ते हैं सेक्शन फाइव पावर टू डेलीगेट डेलीगेशन की पावर की बात कब आती है आपको मालूम है कि अगर कोई भी अथॉरिटी जो है ठीक है वो डेलीगेट कर सकती है पावर अब देखो एक बहुत जनरल आपको मैं एक बात बताता हूं जो कि शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पावर डेलीगेट कौन सी की जाती है जब आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है अगर मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं या नहीं तो वो पावर में डेलीगेट नहीं कर सकता बट हाँ जो मुझे ऐसा करना ही है वो पावर आप डेलीगेट कर सकते हो ठीक है तो एक बेसिक सा डिफरेंस है इसको ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप फर्स्ट जाओ ऐसी चीज में तो आप इस चीज को अगर आपको मालूम है कि क्या यहां पर डिस्क्रिप्शन की बात है नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो पावर टू डेलीगेट डायरेक्टर जो है यहां पर परमिशन लेके किससे प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब जो अपॉइंट कर रहा है उसी तो परमिशन लोगे अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका जो बॉस है आप उसी से तो परमिशन लोगे ना या जिसने आपको अपॉइंट किया एक तरीके जो भी अथॉरिटी होगी आपके ऊपर ऐसा थोड़ी है कि आप जाके अपॉइंट इस डिपार्टमेंट में हुए हो आप लॉ डिपार्टमेंट में और आप जाके कोई सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से आप परमिशन ले रहे हो कि क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा करना है नहीं ना तो डायरेक्टर जो है प्रीवियस अप्रूवल लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की बाय इन राइटिंग और डेलीगेट कर सकता है या तो ऑल या एनी ऑफिस पावर्स जो उसको दी गई है वो क्या कर सकता है डेलीगेट कर सकता है डेलीगेट आप हमेशा सबऑर्डिनेट को ही करते हो राइट तो ये हो गया दूसरा बात कर रहा है जो चाइल्ड सॉरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो भी कर सकता है वो उसको उसके ऊपर परमिशन लगेगी प्रीवियस अप्रूवल किसकी स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लगेगी वो भी डेलीगेट कर सकता है ऑल या जो भी पावर्स जो है वो डेलीगेट कर सकता है बट अब इंपॉर्टेंट क्या है बात कर रहा है कि एक्सेप्ट दोस जो कि ग्यारह के एक के ए में दिया हुआ है वो डेलीगेट नहीं कर सकता ठीक है अब मैं जनरली आपको बता देता हूं ग्यारह का एक का ए जो है न, वो हंटिंग से रिलेटेड बात करता है जहां पर ऐसा कोई जानवर जो ह्यूमन के लिए खतरा बन जाए इंसानों के लिए उसको यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन होता है अगर वो चाहे तो उसको हंटिंग उसकी अलाउ कर सकते हैं तो वैसा कुछ है हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में बट यहां पर क्या है उनका डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया कि ये चीज जो है इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते सब ऑफिसर को इसके अलावा आप करो कोई दिक्कत नहीं है तो देखो बात हो रही है अभी हमने शुरू से अगर हम बात करें तो एक जगह हमने डायरेक्टर देखा तीन में कौन अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन फोर में हमने देखा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाइल्ड लाइफ वार्डन और ये सब तो इनको स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है फिर हमने देखा डेलीगेशन तो डेलीगेशन दो अथॉरिटी चीफ वाइल्ड लाइफ हो गया डायरेक्टर कर सकता है जिसने किया, उसकी परमिशन ले, 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 ले की। चीफ स्टेट गवर्नमेंट की ठीक है बट क्या अपॉइंट नहीं कर सकता यहां से एमसीक्यू बनते हैं ये एमसीक्यू होते हैं कि एक्सेप्ट दो अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन ग्यारह सॉरी ग्यारह का सबसेक्शन वन ये आपका यहां से एमसीक्यू है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं सब व, सब्जेक्ट तो एनी जनरल और स्पेशल डायरेक्शन गिवन और कंडीशन इंपोज बाय डायरेक्टर और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एनी पर्सन जिसने मतलब जिसको ऑथराइज किया गया है डायरेक्टर या वार्डन के द्वारा वो पावर वगैरह एक्सरसाइज कर सकेगा ठीक है जो उसको यहां पर दी गई है राइट so any uh, may exercise those power in the same manner and to the same effect as if they had been conferred or that person directly by this act and not by way of delegation matlab aisa mana jayega ki aapne aapke subordinate ko power di तो इसको ऐसा ना माना जाए कि आपने आपकी power delegate की ऐसा माना जाएगा कि इस act ने ही उस subordinate को power दी है फिजूल की बातें और कुछ नहीं है आगे बढ़ते हैं चलिए then

किसी को भी एग्जैक्ट नहीं मालूम है हम लोग भी जो टीचर्स होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़कर आप एक वो बना सकते हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए गए हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो उन पर ज्यादा फोकस करते हैं बट कई बार देखने को मिला है कि जब अथॉरिटीज ऐसी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है जो भी आपकी तो वो जो है एम पी जैसे कि एग्जाम करा रहे हैं अगर कुछ नया लेके आना चाहें तो वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं किसी नए पैटर्न पे है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें याद क्या करना है बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको फाइव ए याद रखना है क्यों क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है यहां पर इनको गठन किया जा रहा है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फाइव ए के अंदर इसको ध्यान रखना है दूसरा कौन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और ये जो एक्ट है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 से नहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के आने के बाद तीन महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसी बोर्ड का गठन करेगी एक बार फिर से दोहरा देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तीन महीने के अंदर अंदर कब से, जब से ये एक्ट आया, कौन सा एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ध्यान रखिएगा 1972 की बात नहीं की जा रही है यहां पर बात की जा रही है 2002 की ये एमसीक्यू यहां से अगर बनना चाहे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन जो है इसको हम कह सकते हैं ठीक है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है तीन महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीन महीने के अंदर अंदर उनको ऐसा करना है सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन थ्री टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स अब ये जो आपके मेंबर्स में अब मेंबर्स में बेसिकली आप दो चीजें ध्यान रख लो एक ध्यान रख लो चेयरपर्सन और एक ध्यान रख लो वाइस चेयरपर्स चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है और वाइस चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है बाकी आप जो है ना इसको रीड कर लेना कि तीन मेंबर पार्लियामेंट के जिनमें से दो जो है वो हाउस ऑफ पीपल के होंगे एक काउंसिल स्टेट का होगा ठीक है फिर एक मेंबर बनेगा प्लानिंग कमीशन का पांच मेंबर होंगे एनजीओ वाले जो कि नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट टेन परसेंट नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपने ही फील्ड में इकोलॉजिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इनमें कुछ अच्छा खासा कुछ किया होगा बुक्स लिखी होंगी एक दर्जे पर होंगे है ना तो ये सारी चीजें इसको आप रीड कर लेना बट आप पूरा इनको याद करने मत बैठ जाना कि इसका भी डायरेक्टर उसका भी डायरेक्टर इतने सारे डायरेक्टर हैं कंफ्यूज हो जाओगे इस पर क्वेश्चन नहीं बना है तो हमें क्या करना है हमें जो ऊपर के दो तीन है ना उनको आप पढ़ लो और जो भी इसे पांच जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रहा है इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना याद नहीं करना है दो तीन बार पढ़ोगे ध्यान में थोड़ा सा रह जाएगा इन केस अगर क्वेश्चन बनता है तो अदरवाइज सिर्फ ध्यान रखना है पांच ए में जो है गठन किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तीन महीने के अंदर अंदर कर रही है जब दो वाला दो का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यहां तक क्लियर है इसमें और आप आगे एक बार रीड मारना ज्यादा कुछ मत पढ़ना यहां पर सेंस नहीं बनता ठीक है थोड़ा सा अगर आप ये देखोगे सबसे टू थ्री तो यह कुछ नहीं है एक्स ऑफिस हम पढ़ चुके हैं और भी एक में मैंने आपको बता ही दिया है मतलब आपको मालूम है तो यहां नहीं भी पढ़ोगे ना जितना मैंने बताया उतना देख लो बाकी यहां पर टू थ्री भी आप छोड़ दो कुछ ऐसा खास यहां पर नहीं दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फाइव बी पर अगर कोई डाउट है यहां तक तो अभी आप मुझे बताओ कोई डाउट वगैरह है क्या आपको कोई भी डाउट यहां तक है चलिए कोई भी डाउट है तो आप एक बार चैट में मुझे बताइएगा हम उसको वापस से एक्सप्लेन करेंगे राइट आगे बढ़ते हैं सेक्शन फाइव बी की ओर अब सेक्शन फाइव बी जो है बात कर रहा है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड स्टैंड कमेटी के बारे में बात कर रहा है नेशनल बोर्ड की ठीक है तो यहाँ पर नेशनल बोर्ड जो है उनका डिस्क्रिशन है कि वो ऐसी कमेटी बना सकते हैं इसका गठन कर सकते हैं किस के लिए तो एंड परफॉर्मिंग सच ड्यूटी एज मे बी डेलीगेटेड टू दमिटी बाय नेशनल बोर्ड नेशनल बोर्ड जो है वो डेलीगेट कर रहा है कमिटी को ठीक है जो भी पावर्स नेशनल बोर्ड की हैं जो पावर्स जो ड्यूटीज हैं नेशनल बोर्ड की हैं वो चाहे तो स्टैंडिंग कमेटी को डेलीगेट कर सकता है मतलब नेशनल बोर्ड जो है ये क्या कर रहा है स्टैंडिंग कमेटी को डेलीगेट कर रहा है उसकी पावर्स वगैरह ड्यूटीज वगैरह राइट तो ये इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी तो इसलिए क्योंकि यहां पर बोला गया नेशनल बोर्ड का क्या है डिस्क्रिशन है अगर वो चाहे तो स्टैंडिंग कमेटी जो है कंसिस्ट किस किस लोगों से मिलकर बनेगी तो कंसिस्ट करेगी वाइस चेयर चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी एंड नॉट मोर देखा जाए तो जो नेशनल से कुछ मेंबर्स को मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो रहा है कितना सिंपल है नेशनल बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी को बना रही है उसका डिस्क्रिप्शन है उसी के लोग जो नेशनल बोर्ड में इतने सारे हैं उन्हीं को कुछ को करके जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने क्या किया है कंसिस्ट करके और वो जो नेशनल बोर्ड के फंक्शन हैं पावर्स हैं ड्यूटीज हैं उन्हीं को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं राइट तो सबसेक्शन टू बात कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहां से एमसीक्यू बन सकता है स्टैंडिंग कमेटी का गठन कहां हो रहा है इस पर भी सवाल बन सकता है ठीक है तो स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट कर रही है वाइस चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी एंड कितने मेंबर्स दस से ज्यादा नहीं होंगे जो कि किस कौन नॉमिनेट करेगा वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट कर रहा है नेशनल बोर्ड के मेंबर्स से तो आपको ध्यान आना चाहिए अभी हमने देखा था चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन है राइट चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों ही इसलिए मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होना चाहिए इन पर भी सवाल बन सकते हैं अगर बनना चाहे तो राइट दैन नेशनल बोर्ड जो है मे कॉन्स्टिट्यूट कमेटी सब कमेटी स्टडी ग्रुप वगैरह जो है ये प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर इनको लगता है इस एक्ट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए वो बना सकते हैं जैसे कि अभी आप पढ़ोगे 2021 का जो अभी एक अमेंडमेंट बिल आ, 2021 में लेकर आए फिर अभी रिसेंटली लोकसभा ने पास किया उसको तो वहाँ भी आप देखोगे कि पहले जो है स्टैंडिंग कमेटी को भी वो गया था ठीक है अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहें तो आप विकीपीडिया या कहीं पर सर्च कीजिएगा 2021 अमेंडमेंट बिल के बारे में कि कैसे कैसे वो अभी जो पास हुआ है तो आपको वहाँ पर चीजें थोड़ी समझ में आएंगी इस एक्ट की भी, राइट? आगे बढ़ते हैं हैं है है कई बार सवाल आ जाते important in the sense कि क्यों important है? बहुत जब कोई पूछना होता है ना तो वो उठा के पूछ लेते हैं ठीक है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज इन रीड भी करोगे आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आपको मालूम है ऑलरेडी जो हमने पढ़ाना आपको मालूम है वही एक्ट को बनाना उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती है फॉर्मुलेट करना यह देखना कि प्रॉपर जो है इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है यही सब चीज फंक्शन है यही तो ड्यूटी है नेशनल बोर्ड की तो इसको एक बार देख लेते हैं फंक्शन नेशनल बोर्ड फाइव सी में यहां पर दिया हुआ है सो so,

ऑन द वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग कैसे आप प्रोमोट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन इफेक्टिवली कंट्रोल करना पोचिंग वगैरह इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोडक्ट्स यहाँ से वहां ले जाना और इलीगली तरीके से इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है क्या रूल्स क्या रेगुलेशन क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए ये क्या कर रहे हैं ये एडवाइस कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पहला हो गया तो सिंपल सा आप साइड में लिख सकते हैं फ्रेमिंग पॉलिसीज राइट right? आगे बढ़ते हैं बी बी बात कर रहा है मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन दी सेटिंग अप ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज जो होते हैं ना उससे रिलेटेड उनको मैनेज करना ये सारी चीजें एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्ट करना एक्टिविटीज उस एरिया में तो ये सारी चीजें मतलब हंटिंग अलाउड नहीं करना या लोगों का वहां पर इस तरीके से घूम नहीं सकते until, आपके पास पास uh, वगैरह हो को जिस तरीके से ऐसे भी जो रूल्स वगैरह हैं इस तरीके का भी रिकमेंडेशन की बात की जा रही है सी बात कर रहा है कैरिंग आउट और कॉजिंग टू बी कैरी बट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पे जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह लाना कुछ एक्टिविटी वगैरह ये इस तरीके से करवा सकते हैं रिव्यूइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू करना प्रोग्रेस क्या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है मेजर्स वगैरह सजेस्ट करना उस चीज़ को इंप्रूवमेंट करने के लिए है ना तो ये सब काम मतलब कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा नेशनल बोर्ड का काम क्या है यहाँ पर सिंपल है तो इसको शॉर्ट में आप साइड में लिख लें चार पांच ही हैं तो उनको ध्यान रखें कि गलती से भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो उनको आप इजीली सॉल्व कर सके बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नहीं बनेगा क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन सिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये बिल्कुल सिमिलर है बिल्कुल डिट्टो है आपका सेक्शन कौन सा फाइव है जो हमने देखा पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड की बात की गई है वहां पर ठीक है बिल्कुल सिमिलर है बस क्या होगा आपको मालूम है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है अब यहां स्टेट गवर्नमेंट है तो जहां पर प्राइम मिनिस्टर है वहां पर सीएम साहब आ जाएंगे राइट तो वैसे ही बात है यहां पर अब देखो, देखो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर बात कर रहा है सेक्शन सिक्स में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जब ये 2002 का अमेंडमेंट एक्ट आया उससे छह महीने के अंदर अंदर विद मित्र पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ये बना रहे हैं स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तो सर तीन महीने था यहां पर क्या था थ्री मंथस था याद आ रहा होगा अभी क्या है अभी सिक्स मंथस है ठीक है तो ये दोनों डिफरेंशिएशन हो गया एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां पर तीन महीने में गठन हो रहा था यहाँ छह महीने के अंदर करना है

बट वो आपको ध्यान ही जाना है क्योंकि फाइव के बाद देखा जाए तो सिक्स ही आ रहा है तो फाइव में आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि वहां पर नेशनल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है सिक्स में स्टेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है देन सेक्शन सेवन बात कर रहा है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड प्रोसीजर क्या फॉलो होगा तो बोल रहे हैं कि साल में जो है ये दो बार मिल लेंगे मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एट सच प्लेस जहां पर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगी देन बोर्ड जो है रेगुलेट देखो समझने वाली बात है बात किसकी हो रही है बोर्ड मतलब क्या है अब यहां पर मैंने क्यों आपको बताया था कि बोर्ड का मतलब जब हम डेफिनेशन क्रॉस कर रहे थे मैंने आपको बोला था बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है अब बोर्ड की बात हो रही है आप क्या समझोगे आप इससे नेशनल बोर्ड या स्टेट बोर्ड तो स्टेट बोर्ड समझना है स्टेट बोर्ड जो है साल में दो बार मिलने की बात है और बोर्ड जो है रेगुलेट करेगी खुद का प्रोसीजर इंक्लूडिंग दी कोरम अब कोरम क्या होती है मतलब कुल मिलाकर ऐसा होता है ना अगर तो आप कंपनीज एक्ट लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो इस चीज को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कोरम मतलब होता है मान के चलो कि जैसे कि हम कंपनीज का एग्जाम्पल कंपनीज में मीटिंग्स होती है तो ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम कोरम होनी चाहिए कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मान के चलो कि मिनिमम कोरम कहीं पर दो है तो एटलीस्ट दो लोग तो हो जब तो मीटिंग होगी ठीक है या फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है वन थर्ड होने चाहिए तो माने चलो टोटल दस लोग हैं ठीक है थीके, या हम चलो इसको एग्जाम्पल लेने के लिए नौ लोग हैं और बोला गया है कि वन थर्ड कोरम होनी चाहिए तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा तीन मतलब मिनिमम तीन लोग होंगे तब आप मीटिंग कर सकते हो और उस मीटिंग को हम वैलिड मानेंगे मान के चलो दो लोगों में आपने मीटिंग कर ली और कोरम होनी चाहिए थी वन थर्ड तो उसको नहीं माना जाएगा अब मैंने क्यों समझाया यहाँ पर बस समझा दिया कि आपको नॉलेज हो बट यहां पर इसका कोई रिलेवेंसी एस सच है नहीं तो बोर्ड मतलब रिलेवेंसी बस वही है कि कोरम वगैरह होगी ये सब ये डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड की भाई कितने लोग होंगे तो हम मानेंगे कि हमारी मीटिंग हो गई ठीक है तो बोर्ड खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सकता है फिर तीसरा बात कर रहा है कोई भी एक्ट कोई भी प्रोसीडिंग बोर्ड की इनवैलिड सिर्फ इस बात से नहीं मान ली जाएगी कि कोई वैकेंसी थी या डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब जो आपने ऊपर देखा ना सेक्शन सिक्स उसमें कोई मेंबर नहीं था या कुछ नहीं था तो उस कारण से जो है जो भी उसके एक्ट या प्रोसीडिंग है उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या है सर यहां से ये बता दो इंपॉर्टेंट आपको एक ध्यान रखना है कि एक साल में दो बार मिलने की जो बात की गई है ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है राइट right? आगे बढ़ते हैं सेक्शन एट बात कर रहा है ड्यूटीज आज का जो ये लास्ट सेक्शन है आपका देन हम चैप्टर थ्री से जो है नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे सेक्शन एट बात कर रहा है ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ ये भी बहुत सिंपल है बात कर रहा है कि क्या क्या तो इसको देख लेते हैं जैसे कि इन द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एरियाज टू बी डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरिया जो डिक्लेयर हुआ है ठीक है, देन फॉर्मुलेशन पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करना जैसा हमने वहां पर नेशनल वगैरह का देखा था ऊपर आपको ध्यान आ रहा होगा एक बार वापस चल के देख लेते हैं ये जो फंक्शंस है नेशनल बोर्ड के वैसे ही कुछ आपको यहां पर ड्यूटीज है स्टेट गवर्नमेंट की दिख जाएंगी कि फॉर्मुलेट uh, करना पॉलिसी वगैरह किस चीज़ से रिलेटेड तो एक्ट जो बारे में बात कर रहा है प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और इन सब चीज़ों से रिलेटेड देन स्केड्यूल वगैरह में कोई अमेंडमेंट है तो उससे रिलेटेड तो यही सब यहाँ पर बात है इसको रीड कर लेना इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट क्या यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है एक बार दो हज़ार नौ में बट आपको बस यही इसलिए क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख लो कि पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं ठीक है ऐसे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने के लिए सिलेक्ट करना और उन एरिया को मैनेजमेंट करना ये इनकी ड्यूटीज हो जाती हैं तो बस साइड में आप जो है शॉर्ट शॉर्ट में इन चीजों को आप लिख लो और आप इनको एक बार बस पढ़ लो ठीक है तो ये आपका चैप्टर टू है यहाँ पर अभी तक कोई भी डाउट है आपको तो बताइए कोई भी डाउट अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर तो आप पूछिए यहाँ सिक्स मंथ है वहां थ्री है राइट राइट कविता आप सही बोल रहे हो आप तो यही डिफ्रेंसियन जो है आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तीन महीने के अंदर गठन करना है कॉन्स्टिट्यूट करना है और स्टेट गवर्नमेंट के, के केस में छह महीने में यही बेसिक डिफरेंस है ठीक है तो अब जो है इसी तरीके के अब जो है चैप्टर थ्री जो हम पढ़ेंगे कल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां से जो है हंटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस आपके चालू हो जाएंगे ठीक है अभी तक जो हमने देखा जहां जहां जो, हाँ जो चीजें मैंने आपको बताई बस उन्हीं पर आप फोकस रखिए बस उतना ही पढ़ना है ज्यादा इनडेप्थ जाने की जरूरत इस एक्ट के लिए तो नहीं है